नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कंचन भारद्वाज। स्वागत करती हूं आपका वन इंडिया हिंदी में। चुनावी सफर के इस बुलेटिन में आज बात होगी आंध्र प्रदेश के 25 लोकसभा सीटों में से एक हिंदुपुर लोकसभा सीट के बारे में। हिंदुपुर लोकसभा सीट से मौजूदा सांसद तेलुगु देशम पार्टी के निमल्ला कृष्णप्पा है। उन्होंने 2014 के आम चुनाव में वाईएसआर कांग्रेस के डी श्रीधर रेड्डी को 97,325 वोटों से हराया था। इस चुनाव में कांग्रेस तीसरे, जेएसपी चौथे और आरपीएस पांचवें नंबर पर रही थी। इस चुनाव में नोटा पर 8,189 लोगों ने वोट डाला था। दक्षिण भारत के राज्य आंध्र प्रदेश के हिंदुपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत 7 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। इनके नाम है रिप्ताड़ू, मेडा कीसरा, हिंदुपुर, पेनुकोंडा, पुथापार्थी, धर्मावरम और कादरी। इसमें से मेडा कीसरा सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। इस लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र की बाकी विधानसभा सीटें सामान्य हैं। हिंदुपुर लोकसभा सीट में 1957 में हुए आम चुनाव में कांग्रेस के केवी रामाकृष्ण रेड्डी ने चुनाव जीता था। साल 1962 के चुनाव में भी कांग्रेस के टिकट पर रामाकृष्ण रेड्डी सांसद बने। साल 1967 से साल 1980 तक इस सीट पर 4 लोकसभा चुनाव हुए, जिसमें कांग्रेस का ही दबदबा रहा। कांग्रेस के पी बायप्पा रेड्डी ने इस सीट पर जीत दर्ज की थी। साल 1984 के लोकसभा चुनाव में तेलुगु देशम पार्टी के कांग्रेस को हराकर ये सीट जीती। तेलुगु देशम पार्टी के रामचंद्र रेड्डी हिंदुपुर से सांसद बने, लेकिन कांग्रेस के साल 1989 के चुनाव में इस सीट पर वापसी की। इसके बाद 1991 में भी कांग्रेस के खाते में ये सीट आई और 1996 के चुनाव में तेलुगु देशम पार्टी ने ये सीट जीती। वहीं साल 1998 में हुए चुनाव में कांग्रेस के एस गंगाधर को ये सीट मिली। इसके एक साल बाद 1999 में हुए चुनाव में तेलुगु देशम पार्टी को एक बार फिर से इस सीट पर जीत मिली। 2004 के चुनाव में कांग्रेस के निजामुद्दीन यहां से सांसद मनोनीत हुए। पिछले 2 लोकसभा चुनाव से इस सीट पर टीडीपी का कब्जा है और निमल्ला कृष्णप्पा 2 बार से सांसद हैं। हिंदुपुर लोकसभा सीट से सांसद निमल्ला लोकसभा में प्रदर्शन की बात की जाए तो दिसंबर 2018 तक उनकी उपस्थिति 88% रही है। लोकसभा में उन्होंने 188 सवाल विभिन्न मुद्दों पर पूछे हैं और 15 बहसों में हिस्सा लिया है। 61 साल के निमल्ला ग्रेजुएट हैं और उनका व्यवसाय खेती है। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में हिंदुपुर लोकसभा सीट पर 81% वोटिंग हुई। इस चुनाव में 11,77,257 लोगों ने वोट डाला, जिसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 6,01,932 और महिला मतदाताओं की संख्या 5,75,325 रही। वहीं हिंदुपुर की कुल जनसंख्या की बात करें तो वो 20,22,685 है, जिसमें से 70.72% ग्रामीण आबादी है और 22.28% आबादी शहरी है। इसमें अनुसूचित जाति के लिए 13.60% और अनुसूचित जनजाति के लोग 4.57% हैं। इस सीट पर कुल 14,46,503 मतदाता हैं। इसमें से 7,34,638 पुरुष और 7,11,865 महिला मतदाता हैं। हिंदुपुर लोकसभा सीट की बात करें तो कांग्रेस ने सबसे अधिक बार इस सीट पर परचम लहराया है। हालांकि साल 1980 के बाद हुए आम चुनाव में कांग्रेस और टीडीपी ने यहां 5-5 बार जीत दर्ज की है। वहीं वाईएसआर को इस सीट पर अभी तक सफलता नहीं मिल पाई है। अब देखना यह होगा कि जनता इस बार कांग्रेस और टीडीपी में से किसे मौका देगी या फिर इस बार इस सीट पर किसी नई पार्टी का खाता खुलेगा। वन इंडिया में अगली बार हम आपको एक नई लोकसभा सीट के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए आप हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।